रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जैसा शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया है? तो देखिए इसका क्या नाम दिया गया आप सभी को पता होगा, COVID-19। ठीक है, इसका नाम दिया गया है, एक तरह से ऑफिशियल नेम दिया गया है कोरोना वायरस का, COVID-19। ठीक है, और देखिए ये COVID-19 चाइना के वुहान शहर से फैला था। और देखिए इसकी फुल फॉर्म भी है, आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे CO से है कोरोना और VI से है वायरस और D से है डिजीज और 2019 का ये जो है 19 लिया गया। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, कोरोना वायरस क्या है? तो देखिए कोरोना वायरस एक अलग तरीके के जो हम देखते हैं कि जो है क्या है, एक तरह से महामारी है यानी कि पैंडेमिक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चार अलग अलग वर्ड दिए हैं, पैंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक और स्पॉडिक। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको बता दूँ, देखिए स्पॉडिक क्या होता है कि किसी भी कंट्री या किसी एक विशेष क्षेत्र में बहुत ही छोटी जगह पे कोई अगर बीमारी फैलती है तो उसको स्पॉडिक कहा जाता है, और एंडेमिक जो है इससे बड़ा होता है यानी कि एक पर्टिकुलर जो है कंट्री में होता है। और देखिए जो एपिडेमिक होता है जो जैसे कुछ ही कंट्री में या उसके आसपास नेबरिंग कंट्री में होती है तो वो हम कह सकते हैं उसको जो एपिडेमिक हो गया। जैसे सिंपल सी एपिडेमिक जैसे हो गया कि इबोला वगैरह जो आए थे, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में कुछ आए थे। ठीक है, जैसे एंडेमिक में क्या होता है कि देखिए एंडेमिक जैसे आपने देखा होगा कि मलेरिया के कुछ ही जो बीमारी है वो कुछ ही कंट्रीज में और जो है कुछ कंट्री एक सीमित निश्चित जगह पे होती है और कुछ ही लोगों को होती है। ठीक है, एक तरह से एक इसकी जो दायरा है वो सीमित है। ठीक है, किसी कंट्री में तो देखिए स्पॉडिक बहुत ही लिमिटेड है, उसके बाद एंडेमिक आता है, जैसे एंडेमिक में मलेरिया वगैरह हो गया, जैसे एपिडेमिक में जैसे इबोला आ गया, कुछ ही कंट्री तक सीमित है। लेकिन जो पैंडेमिक है लगभग विश्व के सारे कंट्री तक पहुंचती है और बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से फैलती है, जैसे कोरोना वायरस। ठीक है, तो इन चारों वर्ड को आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? तो देखिए सबसे पहले कोरोना वायरस का नाम दिया था सार्स, जो है सार्स COV-2 दिया था। ठीक है, देखिए सार्स की फुल फॉर्म क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ये सबसे पहले वैज्ञानिक ने नाम दिया था, लेकिन अब इसका ऑफिशियल नेम है COVID-19। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, पंजाब ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए पंजाब जो सरकार है वहाँ की, उन्होंने जो है कोवा पंजाब एक तरह से उन्होंने एक जो है कोरोना वायरस के संबंध में उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया। और देखिए कोवा इसका फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए कोरोना वायरस अलर्ट इसका फुल फॉर्म है कोवा का, और देखिए ये पंजाब सरकार ने ये लॉन्च किया है। पंजाब के अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ के कैपिटल है चंडीगढ़ और चीफ मिनिस्टर है अमरिंदर सिंह और यहाँ के गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, COVID-19 को किसने महामारी घोषित किया है? तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक तरह से महामारी यानी कि जो है पैंडेमिक घोषित किया है। और देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, और इसका अभी हेड कौन है, टेड्रोस एधनॉम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले किस राज्य में कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था? तो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले कर्फ्यू लगाया गया? ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये है पंजाब। ठीक है, पंजाब के बारे में हमने अभी बात किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए पहला जो राज्य है इसमें महामारी घोषित किया था वो है हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और हरियाणा ने सबसे पहले ये महामारी घोषित किया था कोरोना वायरस को, और अब पूरे विश्व में इसको महामारी घोषित किया गया है। और देखिए हरियाणा की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़ और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, भारत में सार्क COVID-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो देखिए कि भारत सरकार ने अभी $10 मिलियन की जो है एक डोनेशन देने की घोषणा की, एक तरह से इमरजेंसी फंड जो है रेज किया गया सार्क कंट्रीज के द्वारा। और देखिए सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है, और ये देखिए जो सार्क है एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संयोग संगठन है, और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, अमजद हुसैन इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है। ठीक है, और देखिए इसमें कई बार ये पूछा जाता है कि इसमें कितने कंट्रीज आते हैं, तो देखिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सारे कंट्रीज
इसमें आते हैं सार्क में, और अभी इसमें इस सार्क के द्वारा एक जो है फंड रेज किया गया जिसमें भारत ने 10 मिलियन डॉलर डोनेट किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंस्टाग्राम ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया? तो देखिए इंस्टाग्राम ने ये फीचर लॉन्च किया जिसका नाम है इंस्टाग्राम फीड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो देखिए व्हाट्सएप ने भारत में स्पेशली भारत के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया था जिसका नाम है व्हाट्सएप चैटबोट, ठीक है, चैटबोट। और देखिए कि इसमें क्या होगा कि इस फिगर में देखे होंगे इस तरह से जो है अपनी चैट करके अपनी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है।